फिल्म या कहानियों में आपने कई ऐसे जानवरों के बारे में देखा या सुना होगा जो अब जिंदा नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि इन जानवरों को देखने का सपना जल्द ही साकार होने वाला है तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल हाल ही में वैज्ञानिकों ने विचार बनाया है कि क्यों ना विलुप्त हुए जानवरों को फिर से जीवित किया जाए। अगर ऐसा संभव होता है तो आप हिमयुग के वूली मैमथ जैसे जानवर को फिर से देख पाएंगे। धरती पर जानवरों की ना जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिन्हें अब देखना मुश्किल है, लेकिन अब वैज्ञानिक इन विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को फिर से जीवित करने की कोशिश में जुटे हैं। अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि डायनासोर फिर से नजर आएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रजाति को जीवित करने के लिए सुरक्षित डीएनए की जरूरत होती है। डायनासोर इतने समय पहले ही विलुप्त हो चुके हैं कि उन्हें फिर से जिंदा करना मुश्किल है। उनके डीएनए भी डिग्रेड हो चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस मामले में हार नहीं मानी है, वो लगातार कोशिश में जुटे हैं। इससे पहले वैज्ञानिक ऐसी प्रजातियों को वापस जिंदा करने में जुटे हैं जो कुछ साल पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। दरअसल इन्हें वापस लाने की संभावना ज्यादा है। इन जानवरों में कैरोलिना पैराकीट प्रजाति का खूबसूरत तोता, वूली मैमथ यानी बड़े दांतों वाले हाथी, स्माइलोडॉन यानी बड़े नुकीले दांतों वाले शेर, थाइलेसन यानी तेंदुए जैसे जीव वगैरह शामिल हैं। इस पहल के चलते 2003 में स्पेन और फ्रांस के वैज्ञानिकों की टीम पायरेनियन आइबेक्स नामक जानवर को फिर आकार देने में कामयाब रही। ये 2003 से कुछ साल पहले ही विलुप्त हो गया था। इस कामयाबी के चलते वैज्ञानिकों की उम्मीद और भी बढ़ गई है। डायनासोर को छोड़कर विलुप्त हो चुके जानवरों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है, जिन्हें फिर से जिंदा करने की बात चल रही है। वहीं कुछ पर्यावरणविद इसे गलत भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन कुछ इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर वो कौन से जानवर हैं? चलिए जानते हैं। वूली मैमथ, मैमोथस प्राइमिजीनियस। वूली मैमथ प्रजाति विशालकाय शरीर वाले हाथी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इनका शरीर घने बालों से ढका होता था। ये प्रजाति आज से करीब 20,000 साल पहले पाई जाती थी, लेकिन आइस एज आने पर ये प्रजाति विलुप्त हो गई। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि ये शिकार होने की वजह से विलुप्त हो गए। वूली मैमथ साइबेरिया में पाए जाते थे। लंबे समय से ठंडी बर्फ के नीचे दबे रहने से इनके शरीर सुरक्षित बचे हैं। इनकी मदद से दोबारा डीएनए तैयार किए जा रहे हैं। बाद में सैंपल को तैयार कर अफ्रीकन हाथी पर अप्लाई किया जाएगा। डोडो बर्ड। डोडो काफी फेमस पक्षी है, जिसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा। ये एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। दरअसल डोडो बाकी पक्षियों की तरह ज्यादा ऊंची और लंबी उड़ान भरने में सक्षम नहीं होता, इसलिए इसे फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। लेकिन डोडो बर्ड नाम से कोई भी धोखा खा सकता है। डोडो चिड़िया ज्यादा मॉरिशस के द्वीपों पर ही पाई जाती थी, जो इंडियन ओशन के अंदर आता है। इसका साइंटिफिक नाम रेफस कुकुलेटस है। इसका वजन 13 से 23 किलोग्राम होता था। ये कोलम्बिड की प्रजाति से है। इस प्रजाति का अंत 1662 तक हो चुका था। कैसे हुई विलुप्त? डोडो चिड़िया ऐसी जगह पर पाई जाती थी जहां इंसान का आगमन ना के बराबर था, लेकिन एक समय पर यहां डच नामिक आए और उन्होंने अपना पेट भरने के लिए इन्हें मारकर खाना शुरू कर दिया। इससे डोडो की संख्या में कमी आने लगी। इनकी विलुप्ति की एक वजह ये भी है कि एक बार इस द्वीप पर प्लेग की बीमारी फैल गई। धीरे धीरे इनके अंडे भी खत्म हो गए। इस तरह डोडो धरती से विलुप्त हो गई। फिर से कैसे होगी जिंदा? वैज्ञानिकों ने डोडो को फिर से जीवित करने के लिए इसकी करीबी प्रजाति को खोजा, जिसमें निकोबार पिजन इसकी प्रजाति से निकला। ऐसे में अब वैज्ञानिक इस कबूतर के अंडे से डोडो के सेल को फ्यूज करने का प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसा संभव होता है तो डोडो फिर से जिंदा हो जाएगी। पैसेंजर पिजन। ये जंगली कबूतरों की ऐसी प्रजाति है जो अब विलुप्त हो चुकी है। ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती थी। इसका वैज्ञानिक नाम एक्टोपिस्टस माइग्रेटोरियस है, जो कोलम्बिड से संबंधित है। करीब 200 साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि पैसेंजर पिजन की ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। उत्तरी अमेरिका के आकाश में कभी लाखों पैसेंजर कबूतर उड़ते रहते थे, लेकिन एक समय यहाँ इतनी भूखमरी फैल गई कि इसे भूख मिटाने के लिए गरीबों का अन्न मान लिया गया। इसी के चलते भारी संख्या में कबूतरों की इस प्रजाति को मारा गया। आखिरी पैसेंजर कबूतर मार्ता था, जिसकी मृत्यु 1 सितंबर 1914 को हुई। सेबर टूथ्ड कैट।
ये प्रजाति आइस एज के दौरान पाई जाती थी। इनके दांत काफी लंबे होते थे। ये बाघ की प्रजाति में आते थे। ये प्रजाति करीब 11,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। सेबर टूथ्ड कैट आज भी मौजूद होती अगर मौसम में परिवर्तन ना होता। मौसम में बदलाव की वजह से ये प्रजाति विलुप्त हो गई, लेकिन अब वैज्ञानिक इनके जीवाश्म की मदद से इन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। ऑरोक्स। ऑरोक्स को यूरस और यूरे के नाम से भी जानते हैं। ये प्रजाति ज्यादातर यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती थी। कहा जाता है कि ये घरेलू मवेशियों के पूर्वज हैं। देखने में ये गाय की भांति लगता था, लेकिन साइज में इससे थोड़ा और बड़ा होता था। ये काफी लंबे समय तक जीवित रहे, लेकिन 1627 में ये प्रजाति विलुप्त हो गई। ऑरोक्स जंगल के खत्म होने और लगातार शिकार होने की वजह से अचानक विलुप्त हो गई। अब वैज्ञानिक इसे फिर से जीवित करने के लिए डीएनए तैयार करने में जुटे हैं। जवान टाइगर। जवान टाइगर बाघ की एक ऐसी प्रजाति है जो अब विलुप्त हो चुकी है। ये प्रजाति केवल इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाई जाती थी, लेकिन 1980 के बाद जवान टाइगर दिखने ही बंद हो गए। कहते हैं कि ये प्रजाति इंसान के द्वारा जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से विलुप्त हो गई। थाइलेसन। थाइलेसन एक ऐसा जानवर है जो अब विलुप्त हो चुका है, लेकिन करीब 4 मिलियन साल पहले ये सबसे बड़ा मांसाहारी और स्तनपायी जानवर था। ये प्रजाति थाइलेसाइनिड फैमिली से है। इसे तस्मानिया टाइगर के नाम से भी जानते हैं। ये प्रजाति तस्मानिया के जंगलों में ज्यादा पाई जाती थी। धीरे धीरे ये किसानों और आसपास के इलाकों के लिए मुसीबत बन गया। आए दिन ये किसी को भी अपना शिकार बना लेते थे। 18वीं सदी में तस्मानिया सरकार ने इनका शिकार करने की इजाजत दे दी। इस तरह ये प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आखिर में बचा थाइलेसन टाइगर भी 1933 में खत्म हो गया। हालांकि ये प्रजाति खत्म हो चुकी है, लेकिन मेलबोर्न के एक म्यूजियम में मरे हुए थाइलेसन के अवशेषों को रखा गया है। अब वैज्ञानिक इसके सैंपल टिश्यूज से इसे फिर से जीवित करने की कोशिश में लगे हैं। वूली राइनोसेरस। ये गैंडे की एक प्रजाति है जो अब विलुप्त हो चुकी है। ये प्रजाति प्लाइस्टोसीन एपोक के दौरान पूरे यूरोप और उत्तरी एशिया में दिखाई देती थी, जो ग्लेशियल पीरियड के आखिरी समय तक जीवित रहे। ये प्लाइस्टोसीन मेगाफाउना के ही सदस्य हैं। वूली राइनोसेरस नजर में तब आया जब इसका बच्चा साइबेरिया की बर्फ में जमा मिला। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 12,000 साल से बर्फ में दफन था, वो भी सही सलामत। दरअसल इनकी चमड़ी मोटी थी, इसलिए ये बर्फीले इलाकों में आराम से रहने में माहिर थे। लेकिन मौसम परिवर्तन और शिकार होने की वजह से ये प्रजाति विलुप्त हो गई। लेकिन इनकी हड्डियों के ढांचे आज भी सुरक्षित रखे हैं। इनकी मदद से अब वैज्ञानिक डीएनए जुटाने में लगे हैं। आयरिश इल्क। आयरिश इल्क को जायंट डियर और आयरिश जायंट डियर के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी विशालकाय शरीर वाले हिरण थे। ये मेगालोसेरस की एक प्रजाति है जो अब विलुप्त हो चुकी है। ये प्रजाति यूरेशिया से आयरलैंड और साइबेरिया से चीन तक फैली थी। इसकी लंबाई करीब 14 फीट तक होती थी। अब वैज्ञानिक इसके करीबी पाए जाने वाली प्रजाति फेलो डियर की मदद से इसे फिर से जीवित करने की कोशिश में लगे हैं। इसके लिए वैज्ञानिक आयरिश इल्क के जीवाश्म से डीएनए तैयार कर रहे हैं। जायंट ग्राउंड स्लॉथ। विशाल शरीर वाला और काफी धीरे चलने वाला जानवर है मेगाथीरियम। ये हाथी के आकार वाले जानवरों का एक जीनस है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता था। इस विशालकाय जानवर को ही जायंट ग्राउंड स्लॉथ के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नाम मेगाथीरियम है। मेगाथीरियम ऐसा जानवर था जो धरती पर पाए जाने वाले मैमल्स में से एक था। इसका वजन करीब 4 टन था। इसकी लंबाई की बात करें तो सिर से पूंछ तक करीब 6 मीटर यानी 20 फीट तक होती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो इसकी बराबरी कर सकता है। ये वर्तमान में पाए जाने वाले स्लॉथ नाम के जानवर की प्रजाति से भी संबंधित है, जो आज से करीब 10,000 साल पहले पाया जाता था। ये 4 पैरों पर चलता था, लेकिन जब जरूरत होती तो ये 2 पैरों पर भी आराम से खड़ा हो जाता। 2 पैरों पर खड़े होने की वजह से इसका आकार और भी ज्यादा बड़ा और भयानक लगता था। ये ज्यादातर घने जंगलों में रहना पसंद करता था। विलुप्त कैसे हुए? जायंट ग्राउंड स्लॉथ अपनी धीमी चाल और विशालकाय शरीर की वजह से ही शिकार भी हो जाता था। ये आराम से शिकारियों का शिकार बन जाता था। ये अपने विशालकाय शरीर की वजह से छिप नहीं पाते थे और जल्द ही विलुप्त होते गए। कैसे होंगे जिंदा?
काफी खोज के बाद वैज्ञानिकों ने जायंट ग्राउंड स्लॉथ के अवशेष को ढूंढ निकाला है। इनके जीवाश्म की मदद से वैज्ञानिक अभी ने फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि इनके डीएनए को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।